चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे YouTube वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाएं। ठीक है, सबसे पहले YouTube स्टूडियो खोलेंगे और जो भी वीडियो है इसमें अपना वीडियो खोल लेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर और फिर ऊपर वाले पेंसिल पर क्लिक करेंगे जिस पर फोटो दिख रहा थंबनेल, और वहां से अपना फोल्डर में जाके कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। या तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ नहीं मिल रहा है तो एक और ऑप्शन है, वही बगल में दिया हुआ है, उसमें जाके कोई फोल्डर में जाकर जिसमें आपका वो फोटो है जो आपने बनाया है थंबनेल, उसको आप क्या कर लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करके और उसको सेट कर देना है। सबसे ज्यादा जरूरी है यूट्यूब में थंबनेल होना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन है ना, टैग और कैटेगरी तो आपने चुन लिया था, तो वो सब होने के बाद थंबनेल ही आपका ऐसा है जो आपको वो पहचान, क्योंकि लोग सर्च करेगा देखेगा क्या टाइटल और थंबनेल, उसको तो बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सबसे अलग तरीका से आप जो बनाए हो उसको क्या करना है, यहाँ पे सेट कर लेना। एक बार थंबनेल अच्छा से सेट हो गया तो आपका आधा काम यही कर देगा थंबनेल, बाकी सब तो है ही। ठीक है, और उसके बाद यहीं से आप देख सकते हैं अपना वीडियो का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना व्यू आया, कितना इम्प्रेशन आया है ना, सर्च बॉक्स में भी कहाँ कहाँ ट्रेंडिंग कर रहा है, यूट्यूब पर सर्च करके लोग कितना देखे हैं, तो ये सारे जानकारी भी यूट्यूब स्टूडियो के माध्यम से देखा जा सकता था। इसीलिए थंबनेल लगाना न भूले, पहले तो यूट्यूब अच्छा से अपलोड करना सीख चुके हैं, आज आपने सीख लिया कि थंबनेल कैसे लगाया जाता है, अगले वीडियो में सीखिएगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, धन्यवाद। और अंत में अभी आ गया होगा बगल में कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, उस पर क्लिक कर।